हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। जैसे कि आप लोगों को मैं अभी जो भी नोटिसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आईजेएनयू के जो भी नोटिसेस हैं, जैसे कि आप लोगों का अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया गया जिसमें आप लोगों के डेट्स वगैरह मेंशन थे और कब से आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, कब से आप लोगों को फीस वगैरह पे करना है, ये जो नोटिस जारी की गई है और साथ ही अभी जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है, इन सभी नोटिसेस पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को जो है कई सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट हो रहा है इन नोटिसेस को लेकर कि ये जो नोटिसेस हैं ये ऑथेंटिक हैं या नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिसेस हैं आईजेएनयू को ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, अपलोडेड नहीं है। तो कुछ नोटिसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि अपलोड नहीं किए जाते हैं आईजेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये जो नोटिसेस हैं जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, जो भी एकेडमिक कैलेंडर है, ये सारे नोटिसेस जो है अगर हम देखें तो प्रॉपर वे में तो ये सारे नोटिसेस जो है आईजेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने चाहिए। लेकिन ये जो है आईजेएनयू में जो भी सिस्टम एनालिस्ट हैं उनके रेकलेसनेस के कारण ये नोटिसेस जो है अपलोड नहीं किए जाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो नोटिसेस हैं ये सारे ऑथेंटिक हैं। ये जो भी सर्कुलर्स हैं, नोटिसेस हैं, ये सबसे पहले आप लोगों का इशू होता है एग्जामिनेशन सेक्शन से। इसके बाद ये जो सर्कुलर और नोटिसेस हैं ये जितने भी फैकल्टी हैं उनके डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। इसके बाद जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो प्रोफेसर्स को सर्कुलेट करने के लिए इसे कहते हैं। इस प्रकार से ये नोटिसेस जो है हमारे तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो नोटिसेस हैं ये जो है आईजेएनयू को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए नहीं, तो बिल्कुल अपलोड होना चाहिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आईजेएनयू को ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करते हो तो आप लोगों को जो है स्टूडेंट कॉर्नर के जस्ट राइट में आप लोगों को जो है सर्कुलर एंड नोटिसेस का एक टैब मिलता है जिसमें ये सारे नोटिसेस जो है अपलोड होने चाहिए। लेकिन ये जो है यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम एनालिस्ट हैं इनके द्वारा अपलोड नहीं किए जाते हैं, जबकि ये अपलोड किए जाने चाहिए। लेकिन ये सारे जो नोटिसेस हैं मैं इनको पहले देख लेता हूँ कि ये जो है ऑथेंटिक नोटिस है या नहीं है, उसके बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं फेक नोटिसेस के ऊपर वीडियो प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नोटिसेस सभी लीगल नोटिसेस हैं और ये आईजेएनयू के एग्जामिनेशन सेक्शन से ही इशू किए गए हैं। सो अगर आप लोगों को इन नोटिसेस को लेकर अगर डाउट था तो आई होप आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उससे पहले मैं उन नोटिसेस को देखता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, इसके बाद ही उन पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो भी वीडियो आएंगी वो ऑथेंटिक वीडियो आएंगी, फेक वीडियो नहीं आएंगी। ओके, सो आप लोगों को थोड़ा ट्रस्ट बनाए रखना है और चैनल पर बने रहना है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है।